भारतीय किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने मंगलवार को रादौर के पुराना कमेटी चौक पर चीन राष्ट्रपति की फोटो सहित चीनी सम्मान की होली जलाकर अपना विरोध जाहिर किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि चीनी सैनिकों ने धोखे से हमारे सैनिकों पर हमला किया, इसलिए हमें अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए चीन के सम्मान का बहिष्कार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस रोष प्रदर्शन के माध्यम से आज लोगों से भी यही अपील की गई है कि वह चीन निर्मित सम्मानों का बहिष्कार करें। धोखे से शहीद हुए हमारे 20 सैनिक, जिनको धोखे से वार करके चीन सैनिकों ने उनको मारा, और आज सभी ने यहाँ प्रदर्शन किए चीन के खिलाफ, लेकिन हमारे किसान व्यस्त होने के कारण आज हमने भारतीय किसानों ने पूरे हरियाणा में फैसला लिया कि हम हर ब्लॉक क्षेत्र पर चीन का बहिष्कार करेंगे और चीन के राष्ट्रपति की फोटो चलाएंगे। आज हमने यहाँ से अपना काम किया, सभी किसानों से इकट्ठे होकर क्या संदेश दिया इसके मतलब चला के लोगों को क्या बताया? हम यही कहते हैं, पहले तो हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने चीना के जो भी ऐप्स थे मोबाइल में, टिकटॉक वगैरह, उनको खत्म किया, उसका हम स्वागत करते हैं। और हम किसान मजदूर सभी को, जनमानस को यही कहना चाहते हैं कि चीन के सामान का बिल्कुल बहिष्कार करें, कहीं सामान ना खरीदें। अगर कोई चीन का सामान बेचते हुए पकड़ा गया या कहीं लेते हुए पकड़ा तो उसको विरोध करें और उसको पुलिस के हवाले कराएं।